दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का जो आपका एक्सरसाइज है 15.1, इसका 24th नंबर क्वेश्चन। बाकी हमने सारे पहले कर लिए हैं, तो ये आप लास्ट ही क्वेश्चन हैं लगभग इसके 24 और 25, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल नॉट कम अप आइदर टाइम एंड द अनदर वन इज़ फाइव विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब देखिए क्या है इसमें, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस मतलब हमने क्या करना है, एक डाइस को दो बार फेंकना है। दो बार फेंकना है का मतलब ये हम पहले भी इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसके जो टोटल आउटकम्स आने वाले हैं हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं इसमें, टोटल आउटकम्स होते हैं इसमें 1/6 × 1/6, टोटल आउटकम्स इसमें 36 होते हैं। ठीक है, तो 36 हो गए इसमें टोटल आउटकम्स आपके। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब पाँच नहीं आएगा किसी भी समय, और दूसरे में है कि पाँच कम से कम एक बार ही आएगा। अब देखिए इस पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। देखिए एक है हमारा ये डाइस वन और दूसरा है हमारा डाइस टू। अब देखिए सबसे पहले क्या है, डाइस वन में देखिए या तो डाइस वन में फाइव आ सकता है, और फाइव जब डाइस वन में आएगा तो डाइस टू में देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। वन आ सकता है, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरा, अब देखिए डाइस वन में फाइव तो एक बार आ चुका, अब क्या आ सकता है इसमें, देखिए वन आ सकता है, टू, थ्री, फोर, सिक्स आ सकता है, और यहाँ पर क्या आ सकता है इसमें, फाइव आ सकता है। अब देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन गई, देखिए इसमें वन, एक कॉम्बिनेशन कितने बन गए, देखिए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स कॉम्बिनेशन इसके बन गए, और वन, टू, थ्री, फोर, फाइव कॉम्बिनेशन इसके बन गए। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए इसमें, टोटल कॉम्बिनेशन जो हमारे पास बन गए वो हैं 11, जबकि 5 आ सकता है। अब देखिए पहला वाला जो पार्ट है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, इसको हम बाद में लेते हैं, पहले वाला इसको लेते हैं। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब 5 एक बार आएगा, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसकी, 11 है, तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल टर्न अप एटलीस्ट वंस, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपका 11/36। ऑलराइट, अब देखिए 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, जब आया है तो 11/36 है, तो हमारे पास फॉर्मूला सिंपल है, 1 − 11/36 कितना हो गया, 25/36। ओके, पहले वाली की पॉसिबिलिटी हो गई ये, और 5 आने की कम से कम एक बार पॉसिबिलिटी हो गई 11/36। ऑलराइट, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, चेक द आर्गुमेंट्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट। दो ही आर्गुमेंट्स हमको दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, इसमें ये चेक करना है कि सही है या गलत। इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, आइदर टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। अब देखिए दो सिक्के हमने उछाले हैं, तो उनमें आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। ठीक है, अब देखिए पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, दिख रही है साफ, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स ये है 1/4, और पी ऑफ ईदर टेल और हेड, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, देखिए कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, 1/4, या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। ठीक है, तो 1/4 हो गया। इसका मतलब जो आपकी आपका जो ये स्टेटमेंट है, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, प्रोबेबिलिटी 1/3 कहीं पे भी नहीं आई, यहाँ पर आपकी 1/4 आई, इधर 1/4 आई, और इधर भी 1/4 ही आई। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ अ डाइस थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, जब भी हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, या एक ऑड नंबर हो सकता है या एक इवन नंबर हो सकता है। ऑड नंबर्स में से क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। इवन नंबर्स में से हो सकता है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, और नंबर आने की देखिए पॉसिबिलिटीज कितनी है, चांसेस कितने हैं, 3 हैं, और टोटल नंबर, टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3/6 इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज हाफ, ये वाला जो स्टेटमेंट है क्या स्टेटमेंट है हमारा, करेक्ट।